अरे कृष्ण, मेरे सभी दर्शकों को कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो और मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। मैं आज बात करूंगा कि ब्रह्मचर्य की महिमा कितनी निराली है और आपको इसमें इतना आनंद मिलता है और आपको अपने लाइफ में इसको करना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, क्यों एक ब्रह्मचारी बाकी सबसे अलग होता है और क्यों जब आप इस चीज़ का पालन करते हो, इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप सोचते हो, जो आप एस्पायर करते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्मचर्य ऐसी एक चीज़ है जिसकी महिमा मैंने जैसे कि बताया बहुत निराली है और ये भगवान के पथ पे चलना कहते हैं इसको। मतलब ब्रह्म का चर्य, मतलब ब्रह्म का पथ, मतलब भगवान के पथ पे चलना। और जब भगवान के पथ पे चलते हो आप तो आपको बाकी सारी चीज़ें वैसे ही भ्रमित नहीं करती है। आपको जो वासनाएँ हैं, आपकी जो तृष्णाएँ हैं, आपकी जो डिससेटिस्फैक्शन है, जो आपको मतलब सेटिस्फाई रहने देती है नहीं, आपके दिमाग में जो सारी चीज़ें चलती हैं उन सबको कैसे शांत कराती है ब्रह्मचर्य, इसके बारे में संपूर्ण तरीके से बात करूंगा। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, एकदम अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में, इस घोर कलयुग में अभी का जो वक्त है, पहले तो लोग ब्रह्मचारी होते ही थे, अभी के वक्त में ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना आवश्यक हो गया है। और कुछ अगर आपको पाना है लाइफ में और अभूतपूर्व कार्य अगर कुछ करने हैं तो ब्रह्मचर्य की महिमा आपको कैसे अपनानी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पे मैंने वीडियोस जो भी बनाए हैं, पहले तो आप जाके उनको देखो, अगर आप मेरे नए ऑडियंस हो तो, अगर आपने नहीं देखा है तो, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी हो और मेरे वीडियोस को फॉलो करते आते हो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार देने के लिए। ठीक है, मेरे सारे वीडियोज़ को देखो अगर आप नए व्यूवर हो तो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो आगे बनाऊँ और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मीनिंग ही होता है कि ब्रह्म के पथ पे चलना, भगवान के पथ पे चलना। ये सिर्फ अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना नहीं होता, इसका जो मतलब एक वो होता है ना, इसका ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ही व्यापक है, मीन्स इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में सिर्फ अपने जनन इंद्रियों को कंट्रोल में रख लेना ही नहीं, मतलब होता है कि आप योग करते हो, आप भगवान से जुड़ते हो, आप जितने भी मतलब अब तक वासना में पड़े थे या फिर जितने भी आप दुविधा में पड़े थे, दिमाग में आपके जो भी गलत गलत चीज़ें चलती थी या फिर किसी चीज़ को देख के, किसी वस्तु को देख के आपका जी ललचाता था, आप लोभ में थे, मोह में थे, किसी चीज़ के आसक्त थे किसी चीज़ पे, मतलब आप वहाँ से निकल नहीं सकते थे, उन सभी चीज़ को जो है सामान्य तौर पर ले आता है ब्रह्मचर्य। क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य करते हो फिर आपको किसी भी चीज़ का मोह या फिर किसी भी चीज़ का मतलब आसक्ति उसमें नहीं रहती, आप अनासक्त रहते हो क्योंकि आप भगवान से बिल्कुल जुड़े हुए हो। और जब भगवान से आप जुड़े हुए हो तो भगवान ने जो जो आपको कहा है और भगवान की जो जो धारणाएं हैं, जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करने लगते हो। फॉर एग्जांपल, इतने साल तक अगर आप दुखी थे क्योंकि आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए थे, बहुत सारी गलत गलत क्रियाएँ करते थे, बहुत सारी गलत संगति में थे आप, आपका जो संस्कार था, आपका जो कुसंगति थी, वो आपके दिमाग को, आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर रही थी। तो अगर आपने भगवान की बात को मानी है, अब देखना आपकी लाइफ जो है आगे सुधर रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो कुछ बनता है नहीं। तो जब आप इसका अभ्यास करोगे बहुत दिनों तक, तो अभ्यास बहुत दिनों तक जब चलती है तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिलता है। और तभी जाके जब आप कुछ कार्य करते हो कि मुझे ये कार्य में सफल होना है, ये चीज़ चाहिए मुझे, तो वो सारी चीज़ें आपको जाके एक ना एक दिन मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं और अपने वीर्य का जो है नाश नहीं करते, वीर्य जो है रक्षण करते हैं। रक्षण करने पे के बाद जितने भी इंद्रियों को ललचाने वाली चीज़ें हैं, जैसे इससे पहले अगर आप तले भुने हुए या फिर जो भी आपके पेट में गड़बड़ी करती थी वो सब चीज़ खाते थे, और अगर आप अभी नहीं खाते तो आपका मन कितना सात्विक हो गया है, आपका कितना मन बेस्ट हो गया कि आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो, आपकी जो ज़िंदगी है, आपके जो माइंड है वो कितनी सात्विक हो गई है। मतलब आपके मन में कोई राजसिक या तामसिक चीज़ नहीं है कि मुझे उसको लूटना है या फिर मुझे इतना धन संग्रह करना है या फिर यहाँ खर्च करना वगैरह करना है या फिर गलत क्रिया करनी है। आपका मन बिल्कुल शार्प हो गया है, आपके अंदर वो मेधा नाड़ी जागृत हो गई है धीरे धीरे, एक बार में तो नहीं सही बट धीरे धीरे तो हो रही है। आप चीज़ों में फोकस कर पाते हो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो आप गलत गलत आकर्षण में नहीं पड़ते हो, अपने अपोजिट जो लिंग है, अपोजिट जो सेक्स है, उससे आप वो नहीं करते हो, गलत भावना नहीं लाते उनके लिए, उनका सम्मान करते हो आप, चाहे आप लड़की हो तो लड़के के लिए और आप लड़के हो तो लड़कियों के लिए। तो आपके अंदर एक सात्विकता बनती है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। तो इसीलिए मैं अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे फ्रेंड्स को और मेरे जितने भी देशवासी हैं, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि आज तक अगर आपने नहीं किया है तो इस चीज़ को आप सिर्फ 21 दिन के लिए मात्र करके देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर ब्रह्मचर्य का पालन करके आप रोज़ योग करो,
क्योंकि सुबह सुबह का वक्त जो है, सुबह सुबह का वक्त जब आप योग और आसन करते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करके उस वक्त कुछ आप अगर मांगते हो, अगर आपके लाइफ में आप सही कुछ नहीं मांग के अगर आप बस एक अच्छा जीवन मांगते हो, निरोगी शरीर मांगते हो, तो वो भी आपको मिलती है। खैर, पैसा तो स्थाई है, पैसा और जो आपका फेम है वो तो स्थाई है, वो आज है कल नहीं है, ठीक है। मैंने भगवद गीता के ऊपर भी एक बात बताई है, वीडियो बनाई है, जहाँ भगवद गीता में मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं उसको आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को भी दिया है, ठीक है। तो पैसा जो है, पैसा बहुत ही स्थायी चीज़ है, स्थायी चीज़ के ऊपर अगर आप ना सही तो निरोगी रहना और जो है लाइफ में आपको कभी अनसक्सेसफुल ना होना पड़े, इस चीज़ को लेके अगर आप स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस चीज़ को लेकर आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर कामना करते हो वो भी आपको मिलती है, तो कितने सारे अनगिनत फ़ायदे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्मचर्य का पालन करके और मतलब शादी तक अपने वीर्य का संरक्षण करके और अच्छा जो सात्विक चीज़ है उन सात्विक चीज़ों को अपना के और फैटल अट्रैक्शन या फिर जो कामुक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसमें ना गिर के कितनी अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ को जी सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ अपने इंद्रियों पे निग्रह ही नहीं होता, इसका जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही ब्रॉड है, ये बहुत ही व्यापक है, मतलब बहुत ही अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करनी है आपको। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको पहले तो कोई रिलेशन में नहीं रहना है, किसी के मोह में नहीं पड़ना है। आप समझ रहे हो मैं कैसी किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। कोई रिलेशन में नहीं रह के आपको खाना भी सात्विक खाना खानी है। सात्विक खाना कैसे, मतलब जैसे कि फल फलार हो गया या फिर आपको सब्जियां हो गई या फिर तला भुना चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, बिल्कुल सात्विक खाना जो होती है, नॉनवेज नहीं खाना है आपको, सिर्फ अच्छे अच्छे खाना खाना है, जो न्यूट्रिशियस खाने खाने हैं, ठीक है। रात को ज़्यादा हैवी नहीं खाना है और एकदम जो है न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लेनी है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भवति दुखः, कि मतलब जो आदमी युक्त आहार युक्त विहार मतलब बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड लाइफ जीता है उसका जो योगी बनने के लिए वो कैपेबल होता है और तभी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है, ठीक है। सिर्फ इंद्रियों को निग्रह कर लिया, आप एक जगह बैठ गए तो आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे, क्योंकि ब्रह्मचारी कहलाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करनी पड़ेंगी तभी जाके आप ब्रह्मचारी कहलाओगे। रात को ज़्यादा ना खा के, ठंडे पानी से भगवान का नाम लेके, मुंह हाथ धो के भगवान का नाम लेके फिर रात को सोना चाहिए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। और जब ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिसेस करके आगे बढ़ोगे 21 दिन, फिर उसको और आगे ले जाओगे 51 डेज, फिर उसके बाद और 90 दिन, ऐसे करके जब आप देखोगे आपका जो वीर्य संरक्षित है और आपका जो जितना डेली एक्टिविटीज़ है वो सही से चल रहा है, तो आप देखना फिर आगे जाके आपका जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल जाएगा। आपका ब्रेन जो है वो अलग एक स्मृति डेवलप कर लेगी, आप किसी भी चीज़ को पढ़ के भूलोगे नहीं, आप किसी भी चीज़ को कहीं रख के भूलोगे नहीं, आप जिससे मिलोगे उससे आपने क्या बात की थी, किस समय में क्या बात की थी, वो तक आपको 2 महीने तक 3 महीने तक याद रहेगी। आपने किसी को देख लिया एक क्षण मात्र के लिए, फिर आपने किसी बहुत एक साल बाद उसको देखा, आप पहचान जाओगे कि आपने कहाँ उसको देखा, क्या देखा, मतलब आपकी बुद्धि स्मृति जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, इसके बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है आपका जो बल है, आपका बल बहुत बढ़ेगा। मुझे आप देख सकते हो कि लगने में मैं पतला मुतला लग सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं जो है बैलेंस डाइट ले रहा हूँ, अभी जंक वंक नहीं खा रहा हूँ, आलटू फालटू चीज़ नहीं खा रहा हूँ, बट मेरे अंदर जो बल है शायद वो आपसे या फिर किसी और चीज़ों में मैं काम करने में समर्थ हूँ या फिर ज़्यादा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिम जाने वाले ही सिर्फ मतलब ताकतवर हो सकते हैं, क्योंकि जिम जाने वाले भी गलत कार्य बहुत सारे करते हैं। अगर आप नहीं करते हो, जिम जाने वाले कोई देख रहे हो तो नहीं करते हो तो आई एम सॉरी, बट मैक्सिमम का यही हाल है कि जिम जाने वाले लोग कर लेते हैं या फिर उनसे वो गलती हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचारी का भी बहुत पावर होता है और उनका मेधा शक्ति और स्मृति शक्ति भी बहुत होती है, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट्स जो हैं आपके मानसिक और शारीरिक तौर पे आपको बहुत बल प्रदान करता है। और तीसरा जो बेनिफिट है इसके वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करती है, क्योंकि आप सुबह ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो योग करके आप मांग रहे हो कि मुझे फलना मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। और मेरे आसपास अभी भी जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई हैं एकमात्र ब्रह्मचर्य को पालन करके ही। इतने दिन तक अगर नहीं भी हो रही थी, ब्रह्मचर्य के पालन में अगर नहीं भी कर रहा था, तो अब अगर मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ मिली है। इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें साझा कर रहा हूँ कि मेरे देशवासियों, आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करके वो मेधा स्मृति शक्ति और अपनी जो बल है उस बल को बढ़ाओ, ताकि आगे जाके आप ऐसे ऐसे काम कर पाओ जिससे आपको हर चीज़ को मिलना मुश्किल ना हो, हर चीज़ को मिलना आपको सुविधा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचारी को अपनाना चाहिए अपनी लाइफ में, और कम से कम 1 या 2 साल तो आपको ब्रह्मचर्य में अपनाना पड़ेगा ही, ब्रह्मचारी बनना तो पड़ेगा ही। 2 साल आप बन जाओ, उसके बाद आपको मतलब शादी करनी है, अपना वंश आगे बढ़ाना है, तो उस वक्त भी आपको जो है एक नियमित तौर पे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि नियमित तौर पे,
ठीक है, नियम या भरतर्षभ की, भरतर्षभ तुम हे अर्जुन तुम नियमित कर लो अपने सारे चीज़ों को, तो आपको भी मैथुन जो है या फिर आपको जो कॉपुलेशन है, आपको इंटीमेसी है, वो भी रखना है आपको संतुलित वे पे। तो मतलब भगवद गीता आपको पढ़ना होगा, तभी आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन और लाइफ को कैसे जीना है भगवद गीता में बहुत बढ़िया तरीके से बताई गई हैं। इसलिए मैं सारे वीडियोज़ में आपको कहता हूँ कि भगवद गीता को पढ़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपनी लाइफ को जो है एक अच्छा स्ट्रगल लेस लाइफ बनाओ और लाइफ में आपका सात्विकता आए। मैं ऐसी कामना करता हूँ, मंगल कामना और आशा करता हूँ कि आपका लाइफ बहुत ही बढ़िया बीते, ठीक है। तो भगवद गीता आप अवश्य पढ़ो, ये एक आप अपने लाइफ में चेंज अगर देखना चाहते हो तो भगवद गीता पढ़ के ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो और अपने लाइफ में बहुत ही सात्विक और बहुत ही मतलब प्योर चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करो, ठीक है। तो यहाँ तक ही था वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो मेरा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये शायद जो है ब्रह्मचर्य पे मेरा आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य की जो है बहुत सारी बातें बता रखी हैं और इस पे मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जाके मेरे चैनल पे देख लेना। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि ब्रह्मचर्य के फ़ायदे क्या क्या हैं, ब्रह्मचर्य को कैसे पालन करना है। वैसे भी YouTube में बहुत सारे वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर, बट मैंने जो आज आपको बताया वो सिर्फ इंद्रिय को निग्रह करने में नहीं, मतलब अपने जो काम वासनाएं हैं उनको कंट्रोल करने में नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा ये वीडियो, तो इस वीडियो को आप एक बार बैक जाके वो भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि मतलब मैंने क्या क्या पॉइंट्स आपको बताया था। अगर आप चाहते हो तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा कि मतलब पॉइंट्स में कौन कौन से टाइम में क्या क्या आई हैं, बट आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखा और समझा होगा कि मतलब किस तरह से जो है ब्रह्मचर्य हमारे लाइफ में बहुत एक सात्विकता लाती है और ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने मेरे इस वीडियो को पसंद भी किया है और लाइक शेयर भी सब्सक्राइब भी अभी तक कर दिया होगा, और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका जो है पेशेंस बहुत है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी बोला उन सारी चीज़ों का आप अपने लाइफ में अनुसरण करो, उस लाइफ में अपने लाइफ में उस सब चीज़ों को उतारो और उतार के सारे लोगों को बताओ कि इसकी महिमा कितनी मतलब बढ़िया है, कितनी मतलब निराली है, क्योंकि महर्षि लोग ने और जो हमारे ब्राह्मण थे, जो हमारे पंडित थे 5,000-6,000-10,000 साल पहले, उन्होंने जो है साइंटिस्ट से भी एक बहुत बड़ा कार्य करके गए हैं कि मानव कल्याण कैसे हो, मानव का उन्नति कैसा हो। ऐसा नहीं कि मानव को ठगे, लोगों को ठगे, लोग को ठग के खाए, नहीं, हमारे उन्नति के लिए उन्होंने बढ़िया बढ़िया चीज़ें आयुर्वेद ने बताई हैं और बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो हैं पास्ट में वो लोग करके गए हैं और हमारे लिए स्थापित करके गए हैं। बस हमें इतना करना है कि उस चीज़ को समझना है, समझ के उतारना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जब हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि और मंगल कामना भी करता हूँ कि आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया से बीते, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, आपके पास बहुत पेशेंस है। मैं फिर से आशा करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आपका लाइफ बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हरे कृष्णा।